डबल मनी के मार के बाद सहारा से भी बेसहारा। शासकीय शिक्षक ने सहारा के नाम से जमा की राशि। लांजी किरनापुर क्षेत्र जो वर्तमान में डबल मनी प्रकरण की मार झेल रहा है और इसमें आए दिन नए मामले सामने आते हैं, परंतु इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए किरनापुर क्षेत्र के ग्राम भालवा के लाला टोला निवासी फुलचंद राहंगडाले, जो शासकीय शिक्षक भी है, के द्वारा क्षेत्र के लोगों से सहारा कंपनी में पैसा जमा करने के नाम से रोजाना राशि भी ले ली और कोई रसीद भी नहीं दी, जिसके बाद ग्रामीण अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीणों मुकेश बोरकर, कपिल वासनिक सहित अन्य ने बताया कि शिक्षक फुलचंद राहंगडाले द्वारा 2010 से हमारे ग्राम के लोगों ने प्रतिदिन सहारा कंपनी में पैसा जमा करने के नाम पर राशि जमा की जा रही है तथा इसके पूर्व में लोगों द्वारा जमा की गई राशि भी लोगों को प्राप्त हुई, परंतु 2018 से लगभग पूरी तरह बंद हो चुकी सहारा कंपनी के नाम से शिक्षक फुलचंद राहंगडाले द्वारा वर्तमान में भी ग्राम के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हुए राशि वसूली की गई है और उन्हें रसीद भी नहीं दी, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा राशि वापसी की बात कही गई तो शिक्षक फुलचंद राहंगडाले द्वारा अनाकनी करने लगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने क्षेत्र के मीडिया कर्मियों को शिक्षक की करतूत से अवगत कराया। वहीं इस मामले में प्राथमिक शिक्षक फुलचंद राहंगडाले ने मीडिया कर्मियों को बताया कि उसके द्वारा लगभग 100 लोगों से प्रतिदिन राशि वसूली गई है, जिसमें कुल 30 लाख रुपए के आसपास उसके द्वारा लोगों से लिए जा चुके हैं। दूसरी तरफ ग्राम के लोगों को डबल मनी की तरह सहारा के नाम पर जमा किए पैसे से शिक्षक फुलचंद राहंगडाले ने बेसहारा कर दिया है। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस किरनापुर से विकेश मेश्राम की रिपोर्ट। मुकेश बोरकर। कौन गा रहे थे आप? सुसवा। सुसवा रहते। ये बताइए क्या समस्या है आपके साथ में? मेरी समस्या है कि मैं सहारा में पैसे जमा किया था। सहारा क्या है, कोई कंपनी है? अपना जो एजेंट है फुलचंद कावड़े, ये फुलचंद राहंगडाले सॉरी। कौन गा रहे थे? ये भालवा के पास में रहते, लाल टोला में। ये कोई कर्मचारी क्या है? ये गुरुजी है, स्कूल में पढ़ाते है। स्कूल गवर्नमेंट है? हाँ गवर्नमेंट है। तो इन्होंने क्या किया आपके साथ में? इन्होंने बोले कि आप जमा करो, हम अपने रिक्शे लेते हैं। हाँ। और 100-100 रुपये रोज के हम इनको देते थे। हाँ। तो एक बार का तो इन्हें दिला दिए। हाँ। फिर ये सेकेंड बार का बोले कि टाइम लगेगा। तो ये बताइए मेरे को, कोई रसीद रसीद सहारा की जो रसीद रहती है? कोई दे नहीं आज तक, सिर्फ कापी में लिखते थे बस। कापी में लिखते थे 100 रुपए आप रोज जमा करते थे? कितना पैसा जमा हो गया होगा आपका? साल भर से जमा कर रहे हैं। कितना जमा हो गए होंगे फिर भी? 36,000 रुपये। आप क्या करते हैं? आप दुकान है हमारी छोटी सी किराना, तो वहाँ से आप 100 रुपये रोज जमा करते थे। ये बताइए कि उनने वो पैसा जो जमा किए उसका कोई रसीद नहीं दी आपको? नहीं कोई रसीद। कितने लोगों के ऐसे पैसे होंगे जिनने उनने आप जमा किए? हमारे गांव में तो ऐसे है भी फिलहाल 2-3-4 लोग और ऐसा। हाँ। और भी बाहर आजू बाजू में किए? और आजू बाजू में और किया है। आप पैसा कापी में जमा करते थे? और जमा करते थे कापी। कोई रसीद मिलती थी आपको? नहीं। कापी में उनकी कोई साइन वगैरह हस्ताक्षर वगैरह? और साइन वगैरह उनकी, उनकी साइन वगैरह। वो खुद ही भरते थे क्या? खुद ही भरते थे, वो खुद ही आते थे, खुद ही 100 रुपये भरते थे, खुद ही अपनी साइन मारते थे और पैसे लेके जाते थे। और पैसे लेके जाते थे। तो ऐसे कितने दिनों तक के पैसे लेके गए? ये तो साल भर हो गए। एक साल तक के पैसे ले गए। कितने समय आते थे? समय 4 बजे शाम के समय। अच्छा, शाम के समय आते अभी, थे पैसे अभी मतलब कभी उनके पिताजी आते थे। अच्छा, कभी फिर ये आते थे। सर क्या नाम है? फुलचंद राहंगडाले। स्कूल? शासकीय प्राथमिक शाला। अच्छा, आप यहाँ कब से पदस्थ हैं? 2002 से। कितने बच्चे स्कूल? 11। एक से 5 तक है? हाँ। ये बताइए, जैसे कुछ गाँव वालों ने कंप्लेंट किया कि आप सहारा का पैसा जमा करते थे। हाँ। कब से काम कर रहे थे सहारा? 2010। लगभग कितना पैसा आप लोगों ने अभी मैच्योरिटी नहीं कराया लोगों का? 25-30 लाख रुपये सर मैच्योरिटी नहीं कराया। ग्रामीण लोग शिकायत कर रहे हैं कि आपके द्वारा रसीद भी कभी दी नहीं गई। नहीं रसीद दिया, रसीद किया था। बहुत सारे लोगों के हमारे पास अभी स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला आज तक हमको कभी रसीद नहीं मिली। रसीद पासबुक सब दिया, मैच्योरिटी अवधि होने के उनकी सब डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिया। क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं? हमारे पास भी बोल तो हमने बताया। अच्छा ये बताइए कि आप टीचर हैं? हाँ। तो कौन सी कंपनी का काम करते थे? सारा इंडिया काम करते। परिचय?
मेरा नाम कपिल वासनिक है, सुसवा रहता हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि वो सारा कंपनी के नाम से वो पैसा हमसे लेते थे 100-100 रुपए, एक साल बाद आपको रिटर्न मिल जाएगा करके। क्या नाम है उनका, कौन लेते थे? फुलचंद रामडाल। कौन गाँव रहते हैं ये? लाला टोला रहते हैं। लाला टोला यानी करीब में और कोई है? ग्राम भालवा के आगे शायद भालवा पंचायत पड़ती होगी लाला टोला। कितनी दूरी पे वहाँ से? भालवा से 1.5 किलोमीटर है। कोई नौकरी वोकरी में है? हाँ, मास्टर है। मास्टर कहाँ पढ़ाते हैं? ये लाला टोला में पढ़ाते हैं। प्राइवेट है कि गवर्नमेंट? गवर्नमेंट है। कितना पैसा आपसे ले लिया उनने? उनने एक साल तक जमा किया मैंने 100-100 रुपए, 36,000 कुछ हुआ है। उसके बाद में और एक महीना जमा किया मैंने, मिल जाएगा बोले, तो वही पैसा नहीं मिला तो फिर मैंने बंद कर दिया, फिर नहीं पटाया। कितना पैसा जमा कर दिया आपने? 39,000 जमा कर दिया। 39,000 रुपये। कब से पैसा जमा कर रहे थे आप? ये कर रहा था मैं सर, ये 1-9-2020 से। कोई रसीद वसीद देते थे आपको? नहीं, वहाँ रसीद विसीद कुछ नहीं मिली हमको। कोई रसीद नहीं मिली आपको? नहीं। कुछ साइन वगैरह करते थे कोई कापी वगैरह में? ये कापी में 100 रुपए हमसे लेते थे और अपनी साइन करते थे। वो कापी वगैरह है आपके पास? हाँ, में जी हाँ, है। कापी बताएं जी हाँ, ये कापी है सर। ये कापी में एंट्री करते थे? जी हाँ, कापी में एंट्री करते थे और अपनी साइन करते थे। जी हाँ। तो साइन है आपके पास में इनकी, और ये पैसा आपको सहारा के नाम से लेते थे? जी हाँ। बने रहिए हमारे साथ MBCG 24 न्यूज एक्सप्रेस में, तब तक के लिए नमस्कार।